Today's our topic is derivative of exponential and logarithmic function. अब logarithmic and exponential function के formula हमने पहले कर रखे हैं basic formula के topic में. फिर से एक बार formula देख लेते हैं. The formula is d by dx of e raised to x, that is e raised to x d by dx of x. x जो d by dx of x हमने लिखा हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ चेन रूल है जिससे हम फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं. नाउ द लॉगरिथमिक फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई. सिर्फ लॉग एक्स भी लिख सकते हैं. द फॉर्मूला इज वन अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ चेन रूल. तो ये हमको दो फॉर्मूला पर बेस आज हमको सम करने हैं. और अवर फर्स्ट प्रैक्टिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ e raised to x upon sin x. एक्सपोनेंशियल फॉर्म की प्रैक्टिस करने के लिए हमने पहला सम लिया है d by dx of e raised to x upon sin x. जैसे हमने आगे बात की है कि डेरिवेटिव का कोई भी सम अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हमको ऑब्जर्वेशन करना है. तो बाय ऑब्जर्वेशन यह हमको पता चल रहा है कि यहां पर दो जो फंक्शंस हैं मीन्स न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. तो दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो हमको यहां परफॉर्म करना है कोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव. सो व्हाट इज द कोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव? इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स होल स्क्वायर. इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहां पर हमने बाय ऑब्जर्वेशन सबसे पहले कोशंट रूल लगाया है. नाउ कोशंट रूल लगाने के बाद अभी जो बेसिक फॉर्मूला है उसको हमको लगाना है. तो साइन एक्स, नाउ यहां पर बेसिक फॉर्मूला हमारा लग रहा है ई रेस टू एक्स जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं और ये ओरिजिनल टर्म है तो उसकी डेरिवेटिव होगी e रेस टू x. d by dx of x यहां पर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म है. तो d by dx of x वो हो जाएगा 1 माइनस e रेस टू x. साइन x की डेरिवेटिव होगी cos x अपॉन साइन x होल स्क्वायर. नाउ उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो e रेस टू x दोनों टर्म में से कॉमन निकल रहा है तो e रेस टू x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. नाउ स्टूडेंट बेसिकली इसको भी हम आंसर बोल सकते हैं और अगर हमको इससे थोड़ा आगे जाना है तो थोड़ा आगे भी जा सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में. जैसे हम डिनोमिनेटर को सेपरेशन देंगे तो ये हो जाएगा e रेस टू x साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस e रेस टू x कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो हमने यहां पर थोड़ा सा बेसिक को आगे ले गए हम और सिंप्लीफाई करने में सेपरेशन दिया तो यहां पर आफ्टर सेपरेशन एक साइन एक्स फर्स्ट टर्म में कैंसल हो जाएगा तो वो होगा ई रेस टू एक्स कॉसेक एक्स माइनस यहां पर कॉसेक्स अपॉन एक साइन एक्स को हम लेंगे तो वो कॉटेक्स होगा और वन अपॉन साइन एक्स वो होगा कॉसेक एक्स. नाउ दिस इज ई रेस टू एक्स कॉसेक एक्स अगर हम कॉमन निकाल दे रहे हैं तो वन माइनस कॉट एक्स. तो एक सम लिया हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की डेरिवेटिव का जिसमें हमने सबसे पहले कोशंट रूल लिया. कोशंट रूल के बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सिंपल फंक्शन का ही डेरिवेटिव ली और फाइनली सिंप्लीफाई करके ये हम आंसर लाए हैं. नाउ वन मोर सम, log of log x, derivative of log x. By observation यहां पर हम देखेंगे तो this is look like log x, this is look like log x. So what is the derivative of log x? That is 1 upon x d by dx of x and in place of x substitute log x. So 1 upon x, that is over here 1 upon log x.
Now d by dx of x, that is log x. So this is 1 upon log x. Derivative of log x is 1 upon x, and this is original function. So d by dx of x, that is equals to 1. So basically iska answer hua 1 upon x into log x. So this is the derivative of log x. Now third practice is d by dx of log of cos of e raised to x. Now student, यहां पर हम देख रहे हैं एक chain rule apply करेंगे, हम logarithm function use करेंगे और exponential function की भी derivative का use करेंगे. तो एक अच्छा समय, जरा ध्यान से उसको observation करो. This is look like log x. This is look like log x in place of x, cos e raised to x is given. So the derivative of log x is 1 upon x. Over here, this is 1 upon cos e raised to x. Now d by dx of x, that is cos e raised to x. Now after this, 1 upon cos e raised to x, d by dx of, this is look like cos x. So what is the derivative of cos x? That is minus sin x. Over here, this is sin e raised to x, into d by dx of x, that is over here e raised to x. So this is minus sin e raised to x upon cos e raised to x, d by dx of e raised to x, that is e raised to x d by dx of x hota hai 1. So basically the answer is minus 10 e raised to x into e raised to x. Now one more practice of exponential and logarithmic function. The fourth sum is d by dx of root of e raised to root x. Student, this is the very important function according to exponential rule, according to chain rule. Now take proper application. D by dx of, this is e raised to root x whole raised to 1 by 2. D by dx of e raised to root x whole raised to 1 by 2. Now this is, when you observe properly, this is exponential function. E raised to root x is the exponential function, but at present it is x raised to n form, and the x term is e raised to root x. So at present it is look like x raised to n. Now what is the derivative of x raised to n? That is n times, so it is 1 by 2, x raised to, over here x is e raised to root x. So e raised to root x whole raised to n minus 1, that is 1 by 2 minus 1, d by dx of x, over here it is e raised to root x. Once again student, dhyan se agar isko observation karte hain, to this is look like x raised to n. Now what is the derivative of x raised to n? That is n times x raised to n minus 1 d by dx of x. Now this is 1 by 2 e raised to root x whole raised to minus 1 by 2 d by dx of e raised to root x, that is look like e raised to x. Now what is the derivative of e raised to x? So e raised to x as it is, over here it is e raised to root x, and d by dx of x, that is over here d by dx of root x. Once again, this is look like e raised to x. So what is the derivative of e raised to x? So e raised to x, over here it is root x, d by dx of x, over here it is d by dx of root x. Now this is
1 upon 2, this is root of e raised to root x. Now e raised to root x as it is, now this is once again look like x raised to n. This is once again look like x raised to n. Now once again, what is the derivative? Aage wale terms hum as it is rakhenge. E raised to root x. E raised to root x. Now derivative of x raised to 1 by 2. That is 1 by 2. X raised to 1 by 2 minus 1 d by dx of x. Original term tha, to x nahi likhte to abhi chalta. Lekin d by dx of x, that is 1. उसको थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स ई रेस टू रूट एक्स एंड दिस इज 1 अपॉन 2 ये एक्स रेस टू माइनस 1 बाई 2 को नीचे लाएंगे तो वो हो जाएगा 2 रूट एक्स. नाउ उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 4 times root x under root e raised to root x. तो basically ये हमारा simplify हुआ. अभी ये और simplify हो सकता है लेकिन यहां तक हम लिखेंगे तो भी चलेगा. जैसे ये e raised to root x है और ये भी e raised to root x है तो whole power 1 by 2 लेके 1 minus 1 by 2 रखे. means इसको और simplify करेंगे तो e raised to root x. बेस सेम पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. दिस इज 1 माइनस 1 बाय 2 अपॉन 4 टाइम्स रूट एक्स. तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 4 टाइम्स रूट एक्स. तो स्टूडेंट ध्यान से देखो हमने इस सम में क्या किया. वेरी इंपॉर्टेंट सम है. बेसिक फॉर्मूला भी यूज है, एक्सपोनेंशियल भी यूज है और चेन रूल का काफी अच्छा यूज इसके अंदर कर रखा है. वंस अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज ई रेस टू रूट एक्स होल रेस टू 1 बाई 2. दिस इज लुक लाइक एक्स रेस टू एन. तो अकॉर्डिंग टू एक्स रेस टू एन हमने इसका डेरिवेटिव किया है. एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. नाउ आफ्टर दिस इसको हमने सिंप्लीफाई किया है तो 1 बाई 2 ये हुआ ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 बाई 2. ये पावर को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और 1 बाई 2 को अगर रूट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाला टर्म हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स. यहां पर ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा लुक लाइक ई रेस टू एक्स. सो ई रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और e रेस टू x d बाई डी एक्स ऑफ x वंस अगेन होगा x रेस टू n के फॉर्म में. और ये बेसिकली यहां पर हमने अपनी डेरिवेटिव कंप्लीट की है. नाउ डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद भी जो यहां टर्म्स रह रहे हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है. यहां पर 2 टू जा हमने 4 किया है, रूट एक्स को आगे लिया है. e रेस टू रूट एक्स अपॉन अंडर रूट e रेस टू रूट एक्स. बेस सेम पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, वो फॉर्म का यूज किया है हमने यहां पर ई रेस टू रूट एक्स 1 माइनस 1 बाई 2 और उसको सिंप्लीफाई करके हमारा फाइनल आंसर आ रहा है अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स. तो बेसिकली ये जो हमने सम किए हैं, चार सम्स किया है, वो गुड प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की डेरिवेटिव है. और इसके डिपेंडेंट सम का होमवर्क हमने होमवर्क के लिस्ट में दे रखा है, वो आपको परफॉर्म करना है. तो ये क्लियर, ये टॉपिक हमारा इजीली क्लियर हो जाएगा.